नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। इस वक्त हमारी मौजूदगी खगड़िया जिले के अलोली प्रखंड के सहरबन्नी पंचायत के गमड़िया में है और जो फुलतोरा पुल से लेकर कुशेश्वर स्थान तक बनने वाली जो सड़कें हैं इसमें जो कलवट है इस गमड़िया के पास लोगों की आपत्ति इस बात को लेकर है। यहाँ पर जो पुल बनाई जाएगी और पुल के बगल में इनका घर है, जब मुख्य धारा जब बहाव हो जाएगा तो फिर उस स्थिति में इनका घर जो है बह जाएगा। लाखों रुपए के घर जो है बनाए हुए हैं, लोगों के अंदर एक डर समाई हुई है कि आखिरकार जिला प्रशासन से अब वो मांग कर रहे हैं कि मुआवजा मिल जाए ताकि वो घर कहीं और अपना बना लेंगे। लेकिन अगर पुल के बहाव के पेटी में अगर इनका घर रहता है तो वो कभी ना कहीं बह जाने की आशंका इन्हें लग रही है। और हम आपको कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाए, यही जो है पुल बन रही है और पुल के जस्ट बगल में ये जो पास में सटे हुए जो घर हैं, घर वालों का कहना है कि इससे काफ़ी जो है डरे और सहमे हुए हैं और जिला प्रशासन से बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। और वहीं अलोली के जो विधायक हैं रामवृक्ष सदा, वो इन लोगों के दर्द को बांटने आए हैं और जिला प्रशासन समेत पूरे बिहार सरकार से वो मांग कर रहे हैं कि मुआवजा दिया जाए, अगर मुआवजा नहीं देती है तो फिर आंदोलन किया जाएगा, आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया जाएगा। वहीं क्या कुछ कर रहे हैं आरजेडी के जो विधायक है रामवृक्ष सदा, जरा सुन लीजिए। इन लोगों से मुझे शिकायत मिला, हाँ, कि सबसे पहले जो यहाँ के ठेकेदार हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका गुणवत्ता सही नहीं है। अच्छा। और मिट्टी जो दे रहे हैं उसमें भी मिट्टी जो है किसी के खेत से ज़्यादा काट लिया जाता है, किसी के कम काट लिया जाता है, ये भी गड़बड़ी है। दूसरा गड़बड़ी है कि लोग गांव के जितना भी लोग हैं कम से कम ग्रामीण लोग से एक बार जो मुख लोग हैं उनसे बैठ के सहमति लेके इन लोगों को काम करना चाहिए था। एस्टीमेट में कहाँ पुल है कहाँ पुलिया है वो तो इसके एस्टीमेट देखने के बाद ही होगा, लेकिन मेरा मांग है, सरकार से भी मांग है और विभाग से भी मांग है कि हमारा जितना भी ग्रामीण भाई हैं गमहरिया के जो निवासी हैं जिनका ज़मीन इस रोड में जा रहा है, जिनका ज़मीन पुल के आगे है और उसको बास के लिए बसने के लिए उतना ही ज़मीन है और वह ज़मीन उस जगह पर अगर पुल बनता है तो वह ज़मीन पूरा गड्ढा हो जाता है और गड्ढा के चलते वह बसने लायक नहीं रहेगा। इसलिए अगर विभाग और सरकार जो यहाँ के ग्रामीण है जिनका जिनका ज़मीन जा रहा है वह मुआवजा दे, अगर मुआवजा नहीं देगा तो हम लोग ग्रामीण के साथ यहाँ आंदोलन करेंगे, सरकार को भी लिखेंगे। ये कौन सी मार्ग है, कहाँ जाती है सर के? दरभंगा के, दरभंगा ये आपका जो है से यहाँ से फुलतोरा से लेके आइए आपका जो कुशेश्वर स्थान तक का ये रोड अभी तत्काल हमको जैसा मालूम है इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है और यहाँ बाढ़ के समय ऐसा एक भी स्थल नहीं है जो कि बाढ़ में डूबा ना हो। यहाँ विधायक जी को जानकारी मिली क्योंकि कार्यों का जो इन्होंने निरीक्षण किया पता चला यहाँ बहुत सारी अनियमितताएँ बढ़ती गई हैं, उन्हीं अनियमितताओं को देखने के लिए विधायक जी यहाँ आए, साथ में हम लोग मिलकर आए और देखने के बाद स्पष्ट लग रहा है कि ग्रामीणों का जो भी आरोप है पूर्णतः सही आरोप है। अभी आप देख रहे हैं जहाँ ये पुल बन रही है ठीक पुल के सामने अभी नया नया घर ढलैया भी नहीं हुआ है, ढलाई की स्थिति में है, ये घर कभी रह नहीं पाएगा क्योंकि पानी की जो धार होगी सीधे घर के ऊपर जाएगी। इसलिए हमारा प्रशासन से मांग है आप उचित मुआवजा दे करके जो प्रभावित किसान हैं इनका मदद करें, यही हमारी मांग है। क्या नाम आपका? कुमार रंजन, जिला अध्यक्ष शास्त्री। घर का दिक्कत है, इतना ही बास है हम लोगों को बसने के लिए, हम लोगों को मुआवजा चाहिए। सरकार अगर घर बना पुल बना रही है उससे हम लोगों को रोकने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम लोगों को मुआवजा चाहिए। कितना यानी कि घर में लागत है या कितना क्या? 10 लाख रुपया लागत है घर में। अच्छा, जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप मुआवजा के लिए? मुआवजा के लिए मांग करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार। कहाँ कराने वाले? हम गमहरिया के, बस घर गमहरिया का रहने वाले हैं, सहरबन्नी पंचायत।